अगले साल से हम ये एक्टिविटी दोबारा रिवाइव करेंगे और फरवरी जो इंशाल्लाह 2020 का होगा उसमें इंशाल्लाह ताला बसंत जरूर होगा। बसंत त्यौहार नहीं गर्दनों पर वार है, लाहौर न्यूज का मौकिफ तस्लीम। पंजाब हुकूमत का खूनी खेल, बसंत को ना मनाने का फैसला। आज अदालत में हुकूमत की जानिब से तफसीली जवाब जमा कराया जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान कहते हैं महफूज बसंत की तैयारी के लिए 4 से 6 माह की वॉकिंग दरकार है। इदारे जिम्मेदारियां पूरी करें तो ऐसी सरगर्मियां हो सकती हैं। डोर और पतंग की तैयारी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, बाकायदा निजाम वाजे होना चाहिए। इंशाल्लाह सरदार उस्मान फौजदार साहब की क्यादत में लाहौर का ये पुराना कल्चरल फेस्टिवल, तारीखी कल्चर फेस्टिवल, इसका रिवाइवल किया जाएगा और इस दफ़ा इंशाल्लाह फरवरी के दूसरे हफ्ते के अंदर हम बसंत को इंशाल्लाह मनाएंगे। बसंत खूनी खेल, वजीर इत्तला'आत को भी ख्याल आ गया। पहले बसंत ऐलान करने वाले फयाजुल हसन चौहान कहते हैं मेरे मशवरा पर ही अब्दुल अलीम खान ने बसंत ना मनाने का ऐलान किया। बसंत से मुतालिक इतनी जल्दी हिफाजती इकदामात नहीं किए जा सकते थे। हुकूमत ने बसंत ना मनाने का फैसला अवाम और अपोजिशन के दबाव पर किया। लीगी रुकन पंजाब असेंबली उज़्मा बुखारी का रद्दे अमल। पतंग उड़ेगी ना किसी की गर्दन कटेगी, बसंत ना मनाने का ऐलान को मजहबी जमातों ने खुश आइंद करार दे दिया। कई कीमती जानें जाया होने से बच गई। मजहबी रहनुमा कहते हैं हुकूमत ने मुनासिब वक्त में मुनासिब फैसला करके ऐसे इकदाम उठाया। मुहज़्ज़िब मुआशरों में ऐसी कोई तफरी नहीं होती। हुकूमत ने होश के नाखून ले लिए, खूनी खेल का खतरा टल गया। बसंत ना मनाने के हुकूमती फैसले पर शहरी खुश। कातिल डोर का निशाना बनने वाले खानदानों के जख्म ताजा होने से बच गए। पतंगबाजी से जान भाग शहरियों के लवाहिकीन का भी इजहार इत्मीनान। गाड़ी न रुकने पर पुलिस अब फायरिंग नहीं करेगी। एसपी मोबाइल ने नाकों पर चेकिंग के नए SOPs जारी कर दिए। कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी जिससे किसी शहरी की जान को खतरा हो। असलहा या कोई गैर कानूनी चीज मिलने पर कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में बच्चों के अदबी जश्न का दूसरा रोज। 100 से ज्यादा स्कूल्स के तलबा की मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेज। तलबा ने ड्रामे पेश किए, मैजिक शो में भी सलाहियतों का मुजाहरा किया। ड्रामा, पुतली, तमाशा, पेंटिंग और दीगर सरगर्मियों की हाजरीन ने खूब दाद दी। और पंजाब फिल्म सेंसर बोर्ड ने बॉलीवुड फिल्म मानी कार्निका को पास कर दिया। फिल्म रियासत झांसी की बहादुर रानी मानी कार्निका की जिद्दोजहद पर मबनी है। फिल्म की नुमाइश 25 जनवरी से लाहौर में होगी।